एस्ट्रोलॉजर वो हैं जो भगवान से जोड़ते हैं, तो आप भगवान के जो उनके मैसेज हैं वो आप अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को, लोगों को तक पहुंचाते हैं। पर अगर आप गलत पहुंचाएंगे तो वो बहुत गलत तरीके से सामने आएगा। अभी ब्लैक मैजिक को बहुत बुरी तरीके से दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो रील्स में, या हम ब्रॉडकास्ट की बात करें उसमें भी ब्लैक मैजिक को सरेआम बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, अलग तरीके का दिखावा होता है। क्योंकि वो होते हैं भगत, अब उनके पास वो अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ हम भगत हैं, हमारे ऊपर या तो मोहन बाबा आते हैं, या माँ काली आती है, या माँ बंगला मुखी आती है, एक तो कहते हैं मेरे ऊपर भोले बाबा आते हैं। देखो अगर आपके ऊपर ये सब चीज़ें हैं, चाहे वो भूत हो, प्रेत भादा हो, या कोई भी चीज़ हो इस तरीके की, अगर आपके ऊपर है तो सिम्टम्स ये हैं कि आपको वो चीज़ें एहसास होनी शुरू हो जाती हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर पॉडकास्ट। और आज हमारा पॉडकास्ट होने वाला है एस्ट्रोलॉजी और ब्लैक मैजिक के ऊपर। जैसा कि आप इंटरनेट पे देख रहे होगे कि बहुत दिनों से यही चल रहा है, ब्लैक मैजिक और टैरोट कार्ड रीडिंग, मतलब इनके बारे में सच हमें जानना है कि क्या असलियत में ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक से इतना कुछ हो सकता है। तो आज जो हमारे गेस्ट है वो इसी बारे में आज खुलासा करने वाले कि ब्लैक मैजिक और एस्ट्रोलॉजी में मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो नमस्ते गौरी जी, अपना टाइम देने के लिए हमें। नमस्ते, जय माता दी। मैं डॉक्टर गौरी रावत, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, साथ में मैं महाकाली हीलिंग और महादेव हीलिंग भी करती हूँ। तो गौरी जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? जैसे कि लोग आजकल एस्ट्रोलॉजी को मतलब यही कहते हैं कि मतलब ग्रहों का ये करना, या टैरोट कार्ड रीडिंग को मतलब पत्ते देख के ये करना, मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, मतलब मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं करवाया। तो आप लोगों को बताइए कि मतलब इसका मतलब क्या होता है? देखो, एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। पर जो आजकल एस्ट्रोलॉजी चल रही है वो बहुत गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। टैरो कार्ड की बात करें तो टैरो कार्ड जब हमारे हम करते हैं तो उनको बहुत एक सलीके तरीके से किया जाता है, पर अब टैरो कार्ड्स को भी कोई खाना खाते खाते कर रहे हैं। जैसा कि अभी बिग बॉस में आपने देखा था कि वो जो बिग बॉस में थी जिन्होंने टैरो रीडिंग करी है, वो बेड पर रीडिंग कर रही थी, तो इससे हम अपनी एस्ट्रोलॉजी का अपमान कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी वर्क जब करती है जब आप उसको बहुत सही तरीके से उसकी कदर कर कर आप सामने वाले को रिजल्ट देंगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलता। और जो ब्लैक मैजिक की आप बात कर रहे हैं तो ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं किया जाता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तंत्र, मंत्र और यंत्र जितने गुप्त रहेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। एस्ट्रोलॉजर्स को ये पावर दी गई है, कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर वो हैं जो भगवान से जोड़ते हैं। तो आप भगवान के जो उनके मैसेज हैं वो आप अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट को, लोगों को तक पहुंचाते हैं। पर अगर आप गलत पहुंचाएंगे तो वो बहुत गलत तरीके से सामने आएगा। अभी ब्लैक मैजिक को बहुत बुरी तरीके से दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो रील्स में, या हम ब्रॉडकास्ट की बात करें उसमें भी ब्लैक मैजिक को सरेआम बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। आने वाले समय में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का अपमान ही नहीं, इससे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम एस्ट्रोलॉजर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत गलत तरीका है। जी आप ये बताइए कि आपको मतलब सबसे पहली बार कब रियलाइज हुआ कि आपको इसी फील्ड में जाना है? मतलब लोग अलग अलग करियर चूज करते हैं, तो आपने इस करियर को क्यों चूज करा था? एक्चुअली मेरी मदर और फादर एक्सपायर हुए थे, तो उस समय हम बहुत भगत के पास गए थे जो ये ब्लैक मैजिक तंत्र विद्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास गए थे। तो उस समय पे डेट ऑफ बर्थ नहीं चलते, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग अब बहुत ज्यादा सामने आ चुकी है, न्यूमरोलॉजी आ चुकी है, वास्तु आ चुका है। पर उस समय में हम या तो माता रानी के, हाँ भाई उस पे भगत आते, वो भगत है, वो कालका जी के भगत है, या वो अलग मोहन बाबा के भगत है, इस तरीके से हम बहुत भक्तों के पास गए और उसका रिजल्ट हमें जीरो मिला। मतलब थोड़ा सा आप बताना चाहिए कि भक्तों मतलब भगत क्या होता है, मतलब जो भक्ति करता है? देखो भगत मींस भक्ति अलग होती है, भक्ति में दिखावा नहीं होता, ठीक है। अब आप भक्ति करते होंगे, आप जिस भी भगवान को मानते हो, पर आप वैसी वेशभूषा नहीं रखते कि आपको पता, सामने वाले को पता चले कि हाँ आप इनके भगत हो। भक्ति होती है जो आप अपने मन के लिए और अपने लिए करते हैं, जिससे कि हमें सुकून मिले। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, दान पुण्य हम जो भी करते हैं उसे भक्ति कहते हैं, वो हम अपने लिए करते हैं। पर जो आपने देखा गद्दी लगाते हैं, या जो कहते हैं हमारे ऊपर माता आती है, राइट, वो एक अलग तरीके का दिखावा होता है, क्योंकि वो होते हैं भगत। अब उनके पास वो अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ हम भगत हैं, हमारे ऊपर या तो मोहन बाबा आते हैं, या माँ काली आती है, या माँ बंगला मुखी आती है, एक तो कहते हैं मेरे ऊपर भोले बाबा आते हैं, तो वो अलग तरीके से लोग दिखा रहे हैं जिन्हें भगत कहते हैं। तो ऐसे ही लोगों के पास हम बहुत गए, मतलब इतने गए शायद 50-60 लोग होंगे। मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, किस वजह से गए थे आप? मतलब मम्मी पापा को वापस बुलाने? मेरे फादर एक्सपायर हुए तो लोग कहते थे उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। अच्छा। अब उनको मुक्ति नहीं मिली है तो आपको भगत के पास जाना है, उनकी आत्मा भटक रही है, या आपकी मदर को भी लेकर जाएंगे, या इनको कोई बीमारी नहीं थी, अचानक एक्सपायर हुए हैं। तो हम पहले एक जगह गए, उन्होंने कहा कि आपकी मदर के ऊपर ऊपरी चक्कर है, आपके फादर आते हैं। मतलब आपके, सॉरी मतलब ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा पर्सनल है, मतलब आपके मम्मी पापा के साथ में रहती थी कि अलग अलग? फादर
की पहले हुई थी, मदर की बाद, जब फादर की डेथ हो गई उसके बाद। अच्छा, पहले आपके मम्मी को बोला गया कि हाँ, तो हम मम्मी के साथ जाते थे, तो मम्मी को बोला गया कि इनके ऊपर तो ऊपरी चक्कर है, पापा को मुक्ति नहीं मिली है, आपके फादर इनके ऊपर आते हैं, ऐसे ही मतलब बहुत सारी बातें कि हाँ अब इनको बांधा हुआ है, प्रेत योनि में बंधे हुए हैं, काफी कुछ। किसने बताया था आपके मम्मी? भगत, जैसे मौलवी हो गए, ये हम जैसे भगत के पास जाते हैं, जैसे पहले हम गए एक जगह, उन्होंने उनके पास, क्योंकि जब सिम्टम्स ऐसे लगते थे कि मदर मेरी बीमार रहती थी, तो लोगों ने जैसे पड़ोसी में, फ्रेंड सर्कल में कहा कि आपको अगर दवाइयां नहीं लग रही हैं तो आप एक बार हमारे साथ चलो, मतलब जो जैसा बताता हम वैसे उसके साथ चले जाते, तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलो, तो हम ऐसे गए, हम पहले गए थे तो उनमें माँ काली आती थी यही फरीदाबाद से, वहां जाकर उन्होंने कहा कि भाई इनके ऊपर आपके पापा को प्रेत योनि में बांधा हुआ है, हटवाना पड़ेगा, ठीक है, वो पैसे भगत जो होते हैं पैसे भी बहुत लेते हैं, 20-30 हजार से नीचे इनका कुछ भी काम नहीं होता, उन्होंने कहा 30 हजार रुपए लगेंगे, हमने कहा ओके, पर ये है कि मदर भी ठीक होनी चाहिए और जो फादर हमारे इस दुनिया में नहीं है वो अब अच्छी जगह रहें जहाँ भी हैं, और उनका उनको भी कुछ नहीं हुआ था, वो अचानक एक्सपायर हुए थे, तो हमारे मन में बहम आ चुका था क्योंकि मेरे फादर को भी फीवर भी नहीं आया, अब वो अचानक एक्सपायर हुए तो हमको भी फील हुआ, कहीं ना कहीं हम डर गए कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं रीजन होगा, भगत सही कह रहे हैं, फिर वहां से हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कईयों ने मौलवी बताए, जिन बताए, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के लोगों ने हमें मिलवाया, तो मैं साथ जाती थी, मैंने सारी चीजें नोटिस करी और देखा कि उनके पास बहुत भीड़ होती है, आप देखोगे सुबह 6 बजे जा रहे हो रात को नंबर आ रहे हैं, मतलब ऐसे भगतों के पास इतनी भीड़ है और वो आपको ताबीज बना रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, पर मुझे, मैंने जहां तक उन लोगों से कई रिव्यू लिए कि आपको रिजल्ट मिला, नहीं मिला, एंड में क्या हुआ कि मात्र 3 महीने में मेरी मदर भी एक्सपायर हो गई। अब उनके एक्सपायर होने से मेरे मन में तो ये रहा कि हमने बहुत पैसा लगाया है और इन भगतों से हम मिले हैं, जिन से मिले हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिले जो आप देखोगे चमत्कार कि हाँ भाई ये तो जैसे आजकल चल रहा है, उस समय गुप्त था, आज सब सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, सबको पता चल चुकी हैं ये चीजें, पहले ये सारी गुप्त थी, लोग गली गली में बैठे हैं, पता नहीं था, अब सबका सामने आ चुका है, तो अब उस जगह से मेरे मन में आ गया कि भाई अगर ऐसा है तो मुझे इस चीज को रिमूव करना है, क्योंकि कोई इंसान इस कंडीशन में आपके पास आए जिसके पास सेविंग नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो मरने की तदार पर है और आप लोग पैसे हड़प रहे हो, ठीक है, या तो आप काम करो, पैसे बाद में ले लो, या सामान सामने वाले से मंगा लो, बहुत सारे रास्ते होते हैं हेल्प करने के। उस समय मेरे माइंड में आया कि मुझे ऐसे लोगों से इन लोगों को दूर करना है, क्योंकि मैंने वहां पर इस कंडीशन में लेडीजें देखी जिनके पास खाने को नहीं था, अपना गोल्ड, अपने घर को बेच बेच के वो भगत को पैसे दे रहे हैं, और ये आज भी चल रहा है, आज भी लाखों रुपए मौलवी ले रहे हैं, भगत ले रहे हैं, और वो लेडीज हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, बच्चे घर छोड़ के जा चुके हैं, उनसे वो पैसे लेते हैं और वो लेडीज पैसे लाकर दे रही हैं, बदले में रिजल्ट नहीं मिलता, और जब आप उनके पास जाते हो तो वो आपकी गलती बना देते हैं, कैसे बनाई, हाँ आपने तो ये वाला उपाय 6 बजे करना था, हमने तो 6 बजे कहा था, आपने 7 बजे करा, जबकि ऐसा वो शुरू में नहीं कहते, शुरू में कुछ नहीं कहते कि नियम क्या है, टाइम क्या है, बाद में आप 12 जाओगे तो वो यही कहेंगे आपको ये तो हमने 6 बजे कहा था, सुबह का मतलब सुबह नहीं होता, 6 बजे होता है, फिर वो दोबारा पैसे लेते हैं, तो मेरे मन में ये था कि मुझे ये चीजें रिमूव करनी है, मैंने अपनी फैमिली खोई है, मैंने इतना कुछ देखा है, इतने भगतों से मैं मिली हूँ, ऐसे ऐसे पंडितों से हम मिले हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, वो खुद इतने नेगेटिव हैं और दूसरों के साथ नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, तब से मेरे मन में आया, पर मैं इस फील्ड में जाना चाहती थी लेकिन इस तरीके से नहीं कि मैं गद्दी लगाऊं या मैं माँ काली का रूप ले लूं खुद को, या ऐसा बना लूं कि बहुत बड़ी बिंदी लगाऊं, ज्वेलरी पहन लूं बड़ी बड़ी, और हाँ कि मेरे ऊपर माता आती है, मैं बचपन से काली की पूजा करती हूँ, माँ काली को मैंने बहुत छोटे से समझा है, माना है, तो मुझे जो लगता है कि माँ आपकी मदद जरूर करती है, भगवान कोई भी हो मदद आपकी जरूर करते हैं, पर इस तरीके से नहीं करते कि आपके ऊपर आकर सवार हो जाएंगे और बहुत लोगों को डराएंगे या उनसे पैसे लेंगे। अभी कई रील्स मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े भगत हैं, वो ये कहते हैं कि अब तेरा बुरा हो जाएगा, तूने हमारी कढ़ाई नहीं चढ़ाई, कढ़ाई मीन्स कि आप उनमें कपड़े, ज्वेलरी, गोल्ड तक की ज्वेलरी चढ़ाई जाती है, खाना पीना, तो वो कैसे, माँ तो नहीं कहेगी कि तुम मेरी कढ़ाई चढ़ाओ, माँ ये कहती है आप एक कटोरी हलवे चने चढ़ा दो, 5 रुपए का दान कर दो, मैं मान जाऊंगी, पर ये नहीं है। तो मेरा मन ये था कि मुझे इस फील्ड में जाना है पर इस तरीके से नहीं जाना है। फिर मैंने जब खुद पर्सनल रीडिंग ली थी, टैरो कार्ड रीडिंग पहली बार देखा तो वो मुझे कनेक्ट हुआ,
कि मैं इससे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि देखो आप बिना किसी डिग्री के हेल्प करने जाओगे तो सामने वाला वैल्यू नहीं करेगा। तो इसलिए इस फील्ड में मैं आई। जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, पढ़ते पढ़ते इतना हो गया, फिर मैंने टैरो रीडिंग में PhD करी ताकि मैं हेल्प कर सकूँ लोगों की और इस चीज़ों से इनको निकाल सकूँ। सब कुछ होता है, ब्लैक मैजिक होता है, वसीकरण होता है, नेगेटिविटी होती है, ऊपरी चक्कर होते हैं, पर ये ऐसे नहीं होते कि आपको रास्ता चलते ही दिख जाएंगे, या इस तरीके से नहीं कि आप मीठा खा के निकले और आपके ऊपर अटैक हो गया, आप भूत को साथ में ले आए। अच्छा। है ना, आजकल रील्स चल रही है कि आप चौराहे पे जाके नींबू काट दो, टोने टोट के चल रहे हैं कि भूत आ जाए, आपके घर में भूत आ गया। तो ऐसा नहीं होता। जैसे आज के ये कलयुग है, ठीक है, कलयुग में आप भगवान को नहीं देख सकते। कहते ना भगवान कैसे दिखेंगे, भगवान दिखते हैं नर में नारायण है, यानी कि हमारी जो कोई हेल्प कर रहा है वही हमारे लिए भगवान है। कलयुग में, सतयुग और द्वापर युग में चलता था कि आपने आंख बंद करी प्रार्थना करी और भगवान आ गए, या आपने आंख बंद करी प्रार्थना करी राक्षस दानव आ गए हेल्प के लिए, या आपको बदला लेना है तो आप वहां गए और बोला स्वामी मेरी रक्षा करो और वो वहां से रक्षा करने चले गए। कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें नेगेटिविटी होती है, जैसे कि जिसे हम आज के बच्चे कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है, हम एंजाइटी का नाम लेते हैं, उसे ही नेगेटिविटी कहते हैं। अच्छा। जब हमारा बिल्कुल अकेलापन महसूस हो, रोने का मन करे, नेगेटिव वाइब्स महसूस हो और ये मन करे अब मर जाओ, ऐसा एक मोमेंट लाइफ में हर किसी के आता है कि अब हो रहा है कि अब मर जाओ, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी। अब इस कंडीशन में आप भगत के जाओगे, वो कहेगा आपके ऊपर ऊपरी चक्कर है, आप अपने आपे में नहीं हो, ठीक है, क्योंकि आप उस समय चिल्ला के भी बोल सकते हो, कोई पिंच कर देगा, आप अचानक रो भी सकते हो, हंस भी सकते हो, या आपके मूड के ऊपर है कि एंजाइटी किस लेवल पे है, जिससे भगत नेगेटिविटी कहते हैं कि ऊपरी चक्कर है। पर ये सब इतनी जल्दी नहीं होता, होता जरूर है, पर आप जब बहुत इन चीजों में घुस जाते हो, मान लो आप अगर भूत को देखना चाहते हो और आप ऐसे खंडरों में जा रहे हो, पुरानी हवेलियों में जा रहे हो, तो वो चीज आपको दिखेगी, पर आप अपनी रूटीन लाइफ में हो तो कहीं ना कहीं भगवान भी तो आपके साथ है, तो ये सब चीजें नहीं दिखती हैं और नहीं होती हैं। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि टैरेट कार्ड रीडिंग से आपको कैसे पता चलता है कि, मतलब जैसे कि आप सपोज कोई क्लाइंट है आपके पास और वो जानना चाह रहे हैं कि मेरे आगे लाइफ में क्या होगा, तो आपको मतलब कार्ड से कैसे पता चल जाता है कि इसके भविष्य में क्या होने वाला है? टैरो के 78 कार्ड होते हैं, कार्ड की हर एक कार्ड में अलग पिक्चर होती है, अलग कलर होता है, कार्ड्स इंट्यूशन से वर्क करते हैं, कार्ड वर्क करते हैं जब आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कि हम कुंडली देखते हैं, कुंडली में आपका जन्म का चार्ट सामने आता है, उसे आप पढ़ के बता देते हो, पर कार्ड बिल्कुल डिफरेंट है। कार्ड को आपको चार्ज करने होते हैं, चार्ज करने के बाद इंट्यूशन अपनी डालनी होती है, उसके बाद सामने वाले की कंडीशन को समझना होता है और फिर आप कनेक्ट करके कार्ड्स को निकालते हो। 78 कार्ड में हर कार्ड का मतलब अलग है, ऊपर नंबर्स होते हैं जिस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो, कलर्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं जिनसे आप कनेक्ट कर उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जान सकते हो। अब कई बार कंडीशन ऐसी होती है, क्लाइंट पूछते हैं मैं ये बिजनेस करूं या ना करूं, यस या नो, तो उसमें भी आपके कार्ड हेल्प करते हैं, हम कार्ड निकालते हैं, यस आ गया तो यस कर सकते हो, नो आ गया, अब उसको अगर फिर भी करना है, कार्ड में आया कि नहीं कर सकते, तो हम आगे का प्रोसेस देखते हैं कि फिर उसके 3 कार्ड्स निकलवाते हैं कि रीजन क्या है, काम क्यों नहीं चलेगा, उसमें जो कमियां हमको नजर आती हैं उस पे वर्क करते हैं, रेमेडीज देते हैं, होम रेमेडीज देते हैं, किसी भी तरह कोई नेगेटिव वाली रेमेडी नहीं या कोई वैसे जादू टोना नहीं, होम रेमेडी जिसमें कि आपका दान होता है आज के समय में, मेडिटेशन होती है, पूजा पाठ और हार्ड वर्क, तो ये सब कुछ मिलाकर हम जो रेमेडीज देते हैं उससे फिर रिजल्ट मिलता है। गौरी जी, जैसे ब्लैक मैजिक के बारे में बता रहे थे, आजकल रील्स बहुत ज्यादा वायरल है कि मतलब ब्लैक मैजिक हो गया मेरे पे, मैं जाके पीपल के नीचे लाल कपड़ा रख दूं, वहां जाके मतलब हाथ पे नंबर लिख के वहां गायब हो जाऊं, मतलब इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब ब्लैक मैजिक अगर किसी पर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या सही में ऐसे उपाय करने से कुछ मतलब होता भी है कि नहीं होता है? ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स क्या, इसके पीछे मैंने, आपने सही कहा, एक रील देखी थी जिसमें वो कह रही थी कि जिनके बालों में गांठे बन जाती हैं, तो मैं ये इस बात पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो जब तपस्या करते थे तो उनको बाल धोए भी बहुत साल हो जाते थे, बहुत साल जिसे कहते हैं कि उनके बालों में गांठे नेचुरल ही बन जाती थी, जिसे जटाए कहते हैं। तो अगर नॉर्मल लाइफ में आपके बालों में गांठे बन रही हैं तो ये तो आपकी गलती है, इसमें कोई भूत प्रेत नहीं होता, क्योंकि आप अगर कंघी नहीं करोगे, हेड वॉश नहीं करोगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो
ऑब्वियसली गांठे बनेंगी, नेगेटिविटी आएगी। आज का समय क्या चल रहा है कि हम लेट उठते हैं, लेट नाइट तक सोते हैं, जो समय हमको बहुत शास्त्रों में बताया गया कि आप 3 से 4 बजे के बाद उठ जाओ, तो उल्टा चल रहा है कि हम 3 बजे सोते हैं। तो वो जो नेगेटिव वाइब्स आएंगी वो हमारे अंदर नेचुरल वे में आएंगी, इसमें कोई ब्लैक मैजिक असर तो करेगा ही नहीं। जैसे बेचारे जो कॉल सेंटर में जॉब करते हैं तो उनके ऊपर तो मतलब हर टाइम भूत रहना चाहिए हर टाइम। देखो उस पर इसमें क्या होता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो हमारी तरह बैठ के फोन नहीं चला रहे कि आप वर्क करो तो आपका सारा फोकस काम पे है, ठीक है। आप नाइट जॉब, बहुत लोग नाइट जॉब करते हैं पर वो नाइट जॉब में सारा फोकस काम पे होता है उनका, बिल्कुल ब्लैक मैजिक की तरफ, या वो काम करते लैपटॉप चला चलाते पीछे भूत है, पीछे भूत है, ये तो वो नहीं कर सकते। ये हमारे मन का फहम है। सबसे पहले हम घर में अकेले भी हैं और अगर एक बार हॉरर मूवी देखे सोच ले कि परछाई देखी भूत है, चाहे वो पर्दा ऐसे हिल रहा हो तो मन में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज इस तरीके से हमारे सामने नहीं आती। देखो आप जहाँ पे रहते हो या आस पास पूजा पाठ होती है, इतने सारे घर बने, चलो आप नहीं करते पर बहुत लोग करते हैं, मंदिर आसपास हैं, तो कैसे ये चीजें पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है तो फिर हमारे भगवान का है जो ये चीजें कह रहे हैं कि भाई ऐसे आपको घर में घुस जाएंगे भूत। एक रील देखी थी कि घर के बाहर बिल्कुल चप्पल रख दोगे तो नेगेटिविटी अंदर आ जाएगी। पर ये तो पानी वाला भी था कि मतलब सोते हुए बगल में पानी नहीं होना चाहिए, मतलब उससे भूत आ जाता है। पहले शास्त्रों में बताते कि तांबे के लोटे में आप अपने सिराने पानी रखकर सो, सुबह उसको किसी पेड़ में डाल दो, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हमारे बड़े बुजुर्ग पानी रखकर सोते थे तांबे के लोटे में, सुबह उठकर उसको पीते थे, हेल्थ अच्छी रहती थी। तो ये सारी चीजें सिर्फ वायरल होने के लिए और रील्स बनाने के लिए की जा रही है, क्योंकि आप अगर शास्त्र पढ़ते हो तो इनका कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ घर के आगे नाली नहीं होती, कीचड़ नहीं होती, पर चप्पल कोई भी ऐसा नहीं कि जानबूझ के उल्टी करके रख देगा। सब आजकल सबको पता है कि भैया आप घर से बाहर चप्पल उतारो, साफ सुथरे रखो, घर के अंदर वाली भी चप्पल सबकी अलग होती है। वो तो मतलब साइंटिफिकली भी प्रूवन है, अगर घर के बाहर नाली कीचड़ होगा तो वो तो वैसे भी वायरसेस, बैक्टीरिया, डेंगू, मलेरिया बनेगा ऑब्वियसली, पर इसमें भूत पर इतना रोल है ही नहीं, क्योंकि शास्त्र जो हमारे इतने सालों से कहते आ रहे, हमारे मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी इन चीजों को फॉलो करते थे, वो आज रेमेडी बन चुकी है, पर उन चीजों को उल्टा कर दिया गया है। पहले पीपल के पेड़ में भूत है, बरगद के पेड़ में भूत है, आज वही पेड़ों की हम पूजा कर रहे हैं। तो सारी चीजें अपोजिट कर दी गई, वो भी जानबूझ के, क्योंकि इनका कोई लॉजिक नहीं बनता। हाथ पे नंबर्स लिख लो, सावर के नीचे खड़े हो जाओ, आपका प्यार लौट के आ जाएगा तो कैसे आ सकता है? मतलब आप नंबर लिखकर और फिर आप अगर किसी को जबरदस्ती बुला रहे हो तो इसका पाप किसको लगेगा? सही बात है। मान लो लड़का नहीं आना चाहता, उसकी फैमिली नहीं मान रही, अब लड़की नंबर लिख लिख के सावर के नीचे खड़ी हो रही है, उसको टब में डुबो के हाथ में पर्चियां लिख लिख के सो रहे हैं, तो क्या इनसे आ जाएगा? बिल्कुल, जिसने आपकी फीलिंग को नहीं समझा वो कैसे आ सकता है? बिल्कुल सही बात है, पहले अपने रिलेशनशिप को बचाओ, उसके बाद मतलब ऐसी नौबत ही मत आने दो। आती है तो इन सब चीजों से नहीं आती, आप बैठ के बात कर सकते हो, ठीक है। एक समय पे आपको एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ती है, वो कहाँ पड़ती है? मान लो मेरे पास आते हैं क्लाइंट, मैम मेरा ब्रेकअप हो चुका है, आगे मुझे ये पार्टनर अच्छा रहेगा, मेरे लिए नहीं रहेगा। अगर रहता है तो मैं उनको बोलती हूँ, बहुत बेसिक रेमेडी देती हूँ, सबसे पहले बोलती हूँ आप बैठ के बात करो, आप मिलो, बात करो, सॉर्ट आउट करो। उसके बाद हमारे बहुत रेमेडीज होती है, जैसे गुलकंद होता है या मिठाइयों से होते हैं, शहद के उपाय होते हैं, तो वो हम उपाय देते हैं कि आप उनको करो, रिश्ते में मिठास लाओ, पर अंडरस्टैंडिंग दोनों रखो। अगर नहीं है तो मैं साफ बोलती हूँ कि नहीं भाई तुम्हारी इनसे बनी नहीं सकती, आज तो तुम जबरदस्ती ले आओगे, 2 साल में डाइवोर्स है, तो क्या करोगे फिर अपनी जिंदगी और उसकी भी जिंदगी खराब करके ना, तो प्लीज मूव ऑन करो। इसमें मैं उनको मूव ऑन की रेमेडीज देती हूँ कि आपका ब्रेन अच्छा रहे, अपना लाइफ में आगे करियर फोकस करो ये। पर अगर वही मुझसे कह दे मैम प्लीज जबरदस्ती ला दो, टोने टोटके कर दो, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी तो सेम कंडीशन में, उनके बॉयफ्रेंड ने उनको छोड़ दिया था, उनकी कहीं और शादी होनी थी, और वो लड़की इस हालत में थी कि मैम कुछ भी कर दो, मतलब आप कोई भी टोने टोटके। और वो मुझसे पहले 5 फेमस एस्ट्रोलॉजर ऐसे जिन्होंने उसके साथ सारी रेमेडीज करवा ली, और ऐसी ऐसी रेमेडी की बलिदान देना पड़ेगा आपको, बहुत सारी चीजें बलि चढ़ानी पड़ेगी, बकरा मुर्गा चढ़ेगा, दारू चढ़ेंगी, तब जाके आपका बॉयफ्रेंड आ जाएगा। तो ये सब उसने करे और एंड में आई है, जब मैंने उसका कार्ड निकाला तो उसका कार्ड इतना नेगेटिव था कि अगर वो उस लड़के के साथ रहती तो वो सुसाइड कर लेती। मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसकी फैमिली तुमसे बहुत अलग है, अगर तुमने इस लड़के से शादी करी ना तो पक्का तुम सुसाइड करोगे इनके घर में जाके। उसने कहा नहीं मैम। एंड में कुछ टाइम बाद पता चला कि लड़के ने शादी कर लिया उसी से, किसी और से। अच्छा। तो
वो तो फिर उसको तो हुआ ना चीजें नेगेटिव, पर अगर वही पहला एस्ट्रोलॉजर उसको ये कह देते ना बेटा मूव ऑन करो आगे बढ़ो, ये तुमको फंसाया जा रहा है, ये चीज नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, बहुत अच्छे। हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, जैसे कि हम भी गए थे, हम इसलिए जाते हैं कि हमें मोटिवेट हो जाए, मोटिवेशनल चीजें मिल जाए, हमको सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाता है जब उसे चारों ओर कोई नजर नहीं आता, एक लड़की एक लड़का एक हाउस वाइफ एक मदर किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रही है, तब वो ढूंढती है कि काश कोई ऐसा इंसान हो जिससे मैं अपनी मन की बात बोल दूं और वो किसी को ना बताए, मुझे गाइडेंस दे दे। पर अगर एज ए एस्ट्रोलॉजर हम सामने वाले को गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, उसको समझा नहीं रहे, सही गलत नहीं बता रहे और अपना बिजनेस चला रहे हैं कि हाँ 5 तरीके के नग पहनो, 2-3 मालाएं धारण करो, ब्रेसलेट पहन लो, बेड के पास क्रिस्टल रख लो और आपका 5100 लगेगा, इतनी चीजों के लिए हवन करना पड़ेगा 10,000 का, वो बंदा कहाँ जाएगा, ये तो नेगेटिव है ही ना। तो गौरी जी वशीकरण के बारे में कुछ बताइए, आजकल बहुत चल रहा है कि मतलब मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मुझे मतलब चीट तो नहीं कर रहे तो मैं उनको वश में कर लूं ताकि जो मैं बोलूं वो करे, तो ऐसा पॉसिबल है एस्ट्रोलॉजी में? देखो वशीकरण होता था पर ये अच्छी चीजों के लिए होता है, आजकल बहुत बुरी तरीके से गंदी तरीके से वशीकरण को दिखाया जा रहा है। वशीकरण होता है किसी को वश में करना, पर अगर वशीकरण सबसे ज्यादा काम करता है तो वो भगवान पे। अच्छा, अगर आप राधा कृष्ण को देखें तो क्या वो नहीं कर सकते थे एक दूसरे को वश में? सीता राम जी हमारे भगवान है, राम सीता, उनको देखें तो क्या माँ सीता राम जी को वश में करके नहीं बोल सकती थी कि मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी? वो 14 साल का वनवास देखा, उसके बाद फिर भी समाज के कहने पर श्री राम जी ने सीता माता को छोड़ दिया था, तो वो भी कर सकते थे। और हमारे कितने सारे देवी देवता हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और बहुत हैप्पीनेस लाइफ बिताते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो आपकी किस्मत में है, अगर कोई पार्टनर लिखा है कि हाँ इससे ही आपकी शादी होनी है, इसके साथ लाइफ बितानी है, तो आप लाख कोशिश कर लेना, लड़ाइयाँ कर लेना, यूनिवर्स मिलाएगा, भगवान मिलाएंगे। पर अगर नहीं लिखा तो आप कितना भी वशीकरण कर लो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आपका पैसा, आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, क्योंकि वो पैसा लगाकर आते हैं। आज की जनरेशन जो मुझे लगता है कि हमारे साथ में है, कितने लोग आज कांवड़ लेने गए हैं, कितने लाखों लोग लड़के पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं कि भाई आज की जनरेशन नहीं मानती। मुझे ऐसा लगता है आज की जनरेशन ज्यादा मानती है। राम मंदिर बना अयोध्या में कितने लाखों लोग गए थे और सारे न्यू जनरेशन थी, आधी से ज्यादा भीड़ न्यू जनरेशन की थी। कांवड़ लेने न्यू जनरेशन जा रही है, कुछ भी अगर धर्म से जुड़ा होता है रोड पे न्यू जनरेशन खड़ी होती है, बूढ़े माता पिता तो किसी के नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है कि न्यू जनरेशन बिलीव करती है, वो हमारे भगवान को, हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को मानती है, पर वो जो ये ढोंग दिखा रहे हैं उनको नहीं मानती, तो इसलिए कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर फ्रॉड है। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, हम नहीं मानते वशीकरण, हम ब्लैक मैजिक नहीं मानते। वशीकरण होता है जब होता है, जब आपकी लाइफ में एक हस्बैंड वाइफ है, आपस में नहीं बन रही है, भाई 2-3 बच्चे हैं उनके, अब उनको कैसे जिंदगी बितानी है, एक बच्चा सर्वाइव कर रहा है उस लड़ाई में, तब एक एस्ट्रोलॉजर कहता है। वो बहुत सिंपल रेमेडीज होती हैं कि आपको यंत्र दिया जाता है, वरना आप 2 मुखी रुद्राक्ष होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, उस तरीके से आप वशीकरण कर सकते हो कि हस्बैंड वाइफ में एकता आ जाए, प्यार आ जाए। सास बहू की नहीं बन रही है, पर दोनों अगर सास बहू दोनों चाहती हैं कि भाई हम बहुत कोशिश कर रहे हैं हमारी बन नहीं रही, तो मैम प्लीज ऐसा कुछ कर दो कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी, वहां वशीकरण होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों कह रहे हैं मैम बहुत कोशिश कर रहे हैं पर डाइवोर्स की नौबत आ रही, प्लीज हमें एक कर दो, वहां वशीकरण होना चाहिए। पर ऐसे नहीं कि एक किसी और के साथ अफेयर में और किसी का घर तोड़वाने के लिए वशीकरण, लड़की जाती है, कई लड़के जाते हैं मैरिड कपल को अलग करने के लिए और लोग कर भी रहे हैं, पर ये वशीकरण इतना जल्दी होता है नो डाउट कि नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तांत्रिक हैं, जिनको हम जानते हैं, तो वो लोग कर रहे हैं, उनकी चीजें होती हैं, पर वो अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं, क्योंकि किसी का घर तोड़ना वशीकरण के खिलाफ है। ये वशीकरण 2 या 3 महीने चलते हैं, 41 दिन का प्रोसेस होता है, 41 दिन में यही वशीकरण खत्म होकर बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से सामने आता है। और अच्छा वशीकरण करोगे तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है और बहुत अच्छा पावरफुल रेमेडी है। तो गौरी जी जैसे अभी रील में काफी चलता है भूत पिशाच वाला कि मतलब भूत किसी के ऊपर आ गए तो क्या साइन होते हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखो भूत वैसे तो आते नहीं है, पर कई बार क्या होता है कई केसेस में ना हम ऐसी जगह से निकल जाते हैं, जैसे कि आदमियों को देखा जाए वो रात को निकलते हैं, तो
क्या है, आप कहीं भी टॉयलेट कर रहे हैं, आप कहीं भी थूक रहे हैं, तो इससे क्या, जैसे चौराया होता है, सबकी एक अपनी जगह है, चौराहे पे चौगानन वाली माता, जिसे चौराहे वाली माता कहते हैं, वो होती है। पर अगर चौराहे पे आप टॉयलेट कर रहे हो, आप थूक रहे हो, झूठा खाना खा के फेंक रहे हो, तो वो चीजें अटैक कर जाती हैं, पर 100 में से कोई 1-2%, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी चीजें बची नहीं है जितनी हम पूजा पाठ कर रहे हैं उस हिसाब से, पर कहीं कहीं है। अब जहां पे आपने कर दिया, ये सब चीजें हो गई, तो क्या है, आपके ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है। लेडीजों में ज्यादा परफ्यूम लगाना, आप बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा रहे हो, चौराहे से निकल रहे हो, खुले बाल हैं, और बहुत ज्यादा अगर हंस रहे हो, रेड कलर का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं। वो जिनका मन बहुत कमजोर होता है, जैसे कहते हैं ना, इसका मन बहुत कमजोर है, इसको हम कुछ भी डरावनी चीज दिखाएंगे अट्रैक्ट कर लेगी, तो ये चीजें उन लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हैं जिनका इंट्यूशन पावर बहुत वीक है। तो इससे मतलब, जैसे कि आप कह रहे हो कि ये साइन होते हैं, ये मतलब जिसपे आपके ऊपर भूत या ये मतलब प्रेत वगैरह अटैक कर सकते हैं, तो इनसे बचने के लिए, जैसे जो जो इनको मानते हैं, वो अगर वो बचने के लिए अगर कुछ उपाय अगर आप बताना चाहें कि ये चीजें ना करें तो आपके ऊपर भूत पिशाच नहीं आएंगे, तो वो देखो, अगर आपके ऊपर ये सब चीजें हैं, चाहे वो भूत हो, प्रेत भादा हो, या कोई भी चीज हो इस तरीके की, अगर आपके ऊपर है, तो सिम्टम्स ये हैं कि आपको वो चीजें एहसास होनी शुरू हो जाती हैं, आपको नींद आनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, सपने अगर सोएंगे भी तो नेगेटिव सपने आएंगे, अचानक आपके हाथ पैर भारी हो जाएंगे, ऐसा फील होगा कि आपके साथ कुछ है, जिसके ऊपर है उसको समझ आ जाता है, आवाज चेंज हो जाती है, जब आप बात कर रहे हो तो अपने आप ही आपको फील होगा, जब आप मंदिर की घंटी भी सुनोगे ना, सिर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों के साथ ये चीजें होती है, क्योंकि उन्हें भगवान से जुड़ी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, उनका नाम भी नहीं लेंगे वो, क्योंकि जहां भूत प्रेत उतारे जाते हैं वहां बोला जाता है बोलो जय माँ काल का, या बोलो जय माता दी, जय श्री राम, वो नहीं बोलते। तो ये सिम्टम्स होते हैं कि कुछ चीजें हैं कि आपकी बॉडी में से आपको वीकनेस महसूस हो रही है, कई बार अच्छा खासा इंसान इतना कमजोर हो जाता है, अचानक आंखें सफेद हो जाती हैं, उसको सपने नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं, कांपना बॉडी शुरू कर देती है, आपको इतना आलस आएगा कि आप घर से बाहर नहीं जा पाओगे, एक बेड पे लेट जाओगे, जिसे शमशान क्रिया बोलते हैं, सूखी मसानी बोलते हैं, इस तरीके की चीजें होती हैं कि आपको बिल्कुल बेड पे लिटा देंगे, क्योंकि अगर ये होगा तो आप इनसे लड़ नहीं सकते, ये इतनी पावरफुल है। जैसे कि मान लो आपके सामने साक्षात अगर हनुमान जी आ जाए, आप डर जाओगे, सेम अगर भूत अगर आपके साथ है, तो ऑब्वियसली बॉडी में कुछ तो चेंज आएंगे, आप डरोगे। अब ये है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई हमारे साथ ये चीजें हैं, तो सबसे पहले डेली नहाना शुरू करो, क्योंकि बॉडी से जितना नेगेटिविटी को रिमूव करोगे उतना अच्छा है। या तो आप गंगा जी स्नान करने जा सकते हैं, या जिस भी धर्म को आप मानते हैं, वहाँ का होली जो रिवर है वो से नहा सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी जा सकते हैं, बालाजी की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, और जिस पे आपको ट्रस्ट है आप उस भगत पे या एस्ट्रोलॉजर पे जा सकते हैं। इन सब पे नहीं जाना, मान लो कि अब हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, कुछ और, तो उसमें क्या होता है, आप अपनी सिर्फ कुलदेवी की और अपने पितरों की पूजा करो। कुलदेवी की पूजा करने का फायदा ये होता है कि जहां आप हो वहां के काफी दूर दायरे तक भी कोई आपके ऊपर कुछ करवा नहीं सकता, पितर आपके घर की रक्षा करते हैं। अब आपको करना क्या है, डेली अपने पितरों को याद करो, उनके नाम का दान करो, गंगा स्नान करो, कुल देवी के नाम का दीपक घर में लगाओ अंदर, और मेन गेट पे लगाओ, जहां आपकी कुल देवी पूछती हैं आप वहां जा सकते हो, कुल देवी से प्रार्थना करो, अरदास करो कि मेरे ऊपर ये चीजें हैं तो वो ठीक कर देंगी। वैसे जब भी ये चीज कराई जाती है तो हमेशा कुल देवी और पितरों को बांध दिया जाता है, जो भगत करते हैं वो सबसे पहले आपके कुलदेवी को बांधेंगे, फिर पितरों को बांधेंगे, उसके बाद नेगेटिव चीजों को भेजा जाता है, अगर किसी ने भेजा है तो, और अपना भी आई है तो आपकी कुलदेवी आपकी रक्षा हमेशा करेगी। जिस घर में कुलदेवी की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, वहाँ हमेशा ये सब चीजें नहीं आ सकती, और एक पॉजिटिविटी रहती है, हमेशा हमारे पितर और हमारी कुलदेवी हमें प्रोटेक्ट करती है। तो गौरी जी ये बताएं कि जैसे अगर किसी को मतलब भूत पिशाच देख रहे हैं, आपने जैसे बताया कि कुछ कुछ जगह आपने बताया जहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब इनका अट्रैक्शन रहता है, तो अगर किसी को मतलब ये एक्सपीरियंस करना है, तो कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो जाके मतलब उनको 100% ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा नेगेटिव एनर्जी का? ऐसे बहुत सारी जगह है, जैसे कि राजस्थान में कहते हैं, भादुरगढ़ में कहते हैं कि वहाँ पर है, मुंबई में भी कई जगह ऐसा बताया जाता है, पर अगर आप सोच कर जाओगे ना कि मुझे ये चीज देखनी है, वो कभी नहीं दिख सकती, अगर उस घर में है तो भी नहीं दिखेगी। और जब हमें नहीं पता होता, ऐसे जितने भी हमारे ट्रक वाले हैं जो रोड पे वर्क करते हैं, पूरी रात रात ड्राइव करते हैं और बहुत दूर दूर जाते हैं, उनको दिख जाती अगर ये चीजें, कहते हैं ना कि चौराहे पे निकल के रात में आ जाती हैं, या इन जगहों पर खंडरों पे दिखती हैं, तो आप ट्रक वालों को देखो तो खंडरों पे ही चला रहे होते हैं, सारे इतनी पहाड़ों पे चला रहे होते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता,
वरना आज जितने भी प्रोडकास्ट हैं सारे उनके होते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमें वहां दिखे। तो ये सब चीजें ऐसे कभी नहीं दिखती हैं, ये बहुत कम चांस होते हैं, वो भी हमारे खुद के गलती। अब आप खुद की गलती से अगर नहा नहीं रहे हो, मतलब उनकी लाइफ आप जीने लगो एक तरीके से, वो क्या लाइफ जीते हैं, नहाते नहीं है। उनको एक दरिद्रता कहते हैं, नेगेटिविटी। नेगेटिव मीन्स कि मत नहाओ, गंदा संदा खाना खाओ, बाहर ज्यादा घूमो, जितने भी स्मोकिंग चीजें हैं, ड्रिंकिंग है, सारी चीजें करना स्टार्ट कर दो और अपने आप को बंद कर लो कमरे में, गंदे कपड़े पहनो, नेल्स बढ़ा लो, बाल बढ़ा लो, जितना आप गंदा रह सकते हो इतने गंदे बन जाओ। अच्छा। तो आप इन चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी के लिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं, नेल्स कटे होने चाहिए, हाथ पैर धोके सो, हाथ पैर धोके खाना खाओ, साफ सफाई रखो, भगवान को याद करो। तो आप उनको याद करने बैठ जाओ, जितने भी जिन होते हैं आप उनको देखो कि वो इस तरीके से तपस्या करते हैं। राक्षसों को भी पाने के लिए तपस्या ही करी जाती है, उसमें सेम इस तरीके का प्रोसेस होता है कि भाई आपको मांस मदिरा कच्चा मांस खाना पड़ेगा। जैसे वो लोग जीते हैं ऐसे जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी, और उनके मंत्र होते हैं उनके कई तरीके से, माँ काली की हीलिंग के द्वारा भी, माँ काली तपस्या के द्वारा भी करा जा सकता है, डायरेक्ट भैरव बाबा के द्वारा भी, और डायरेक्ट जिन हो गए, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, उनकी आप फिर तपस्या कर सकते हैं, वो भी कई महीनों की कई सालों की होती है। क्योंकि पर इसमें क्या होता है, जब आप तपस्या पे बैठे हो ये चीजें आसानी से नहीं आती। आप मंत्र जाप कर रहे हो, आंख बंद है, अचानक से महसूस होगा खाई में गिर गए, अगर आंख खोली तपस्या भंग, कोई भूत कोई जिन कोई प्रेत बाधा नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये क्या करती हैं, विष पूरी करती हैं। अगर जल्दी आपको दिख गई तो आपको जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा, तो इसलिए जल्दी किसी को नहीं मिलती हैं। अब आप तपस्या पे कर रहे, ऐसा लगेगा आपको शेर ने आके खा लिया, आँख खुल जाएगी, तो वो महीनों की तपस्या खत्म। इसीलिए आज तक कोई भी परफेक्ट इस फील्ड में नहीं हो पाया। एक बार को आप भगवान पा सकते हो, क्योंकि आपके लिए वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, पर नेगेटिविटी इतनी जल्दी नहीं आ सकती, कोई जिन कोई प्रेत आत्मा इतनी जल्दी नहीं आ सकते। आप उनकी तपस्या जैसे ही करना शुरू करोगे, बहुत कम चांस है कि महीने दो महीने भी बीतेंगे, उसके अंदर अंदर ही ऐसा फील होगा कि आपकी पूरी फैमिली एक्सपायर हो गई, आप रो रहे हो, आप लाशें देख रहे हो, आपको आप बहुत बड़ा समुद्र था उसके बीच फंस गए हो, मतलब वो माया जाल में फंसा देते हैं। उस जाल में फंसते ही आप आंखें खोलोगे, डर जाओगे, कई लोग पागल हो जाते हैं इस तपस्या को करते करते, बहुत लोग पागल हो जाते हैं। मॉर्मन्स जो लोग होते हैं वो काफी इन चीजों को करते हैं, पर उसमें क्या है कि गुरु होते हैं। अगर आपका गुरु है, मान लो आप हो, आपने ये तपस्या करी है, आप जीत गए, आपने ये सारे जितनी भी पीढ़ियां थी सारी क्रॉस कर ली है, अब आप बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हो, अब किसी और को सिखाना चाहते हो तो उसको कम तकलीफ होगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप बता सकते हो कि इस दिन ये होगा, डरियो मत। पर एक नए बंदे के लिए तो है, तो अगर कोई गुरु है आज के टाइम में अच्छा जो सिखा सकता है, तो ऑब्वियसली सीख लो। आप प्रेत योनियों को, कई सारे आजकल भगत आते हैं तंत्र वाले हैं, जैसे कि एक है पंजाब चंडीगढ़ के, वो भी करते हैं, तो वो तो शमशान में बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं, कहते हैं हम तो लाश के ऊपर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हैं, कई भगत हैं जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, पर एक्चुअल में इतना इजी नहीं है। जो दो मिनट की रील देखने में लग रहा है ना कि हाँ भाई सब साधना हो रही है, पर उसके बाद वो उठ के निकल लेंगे, क्योंकि इजी नहीं है, जहाँ तक कि वो शमशान घाट भी नकली होते हैं। आप असली में तो आज के टाइम में अलाउड ही नहीं है, और अगर है तो हमारा प्रशासन कहाँ गया फिर, क्योंकि आप किसी की बॉडी के ऊपर बैठ के तपस्या कर रहे हो तो रॉन्ग है ना। वो किसी आपका तो अपना होना चाहिए, आप अपने को मारो उसके ऊपर कर लो, या कोई और आ रहा है उसके ऊपर कर रहे हो, तो कौन अपनी बॉडी को या अपनी फैमिली मेंबर की लाश को छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता। रात में अगर सुबह डेथ हुई है तो दोपहर में तो उसका संस्कार कर ही देते हैं ना, तो वो लाश आती कहाँ से है, उनकी खुद की तो है नहीं, वो तो नकली है, क्योंकि इतना इजी नहीं है। और अगर आपकी लाइट्स कैमरे के सामने आप तपस्या कर रहे हो, तो वो तो जिन वैसे भी नहीं आने, जिन तो क्या कोई भी भगवान नहीं आने। अगर जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, राक्षस भी थे, रावण ने भी तपस्या करी थी, अकेले में करी थी, कई सालों तक करी थी, और कैसा कहते हैं रावण संहिता में पूरा तंत्र का ज्ञान है। इंद्रजाल और रावण संहिता, ये दो किताब ऐसी हैं जो पूरा तंत्र आपको सिखा देती हैं। इसमें भी आप पढ़ोगे तो वो सिर्फ एकांत में जाकर ही होती है, वरना वो भी अपने घर रहकर कर लेते हैं। अब जितने भी आजकल मैं तांत्रिकों को देख रही हूँ कि उनकी आई साइड फैमिली होती है, वो कुछ चढ़ा रहे हैं, मुंडमाला चढ़ा रहे हैं, एक वीडियो बना रहा है, कैसे तपस्या हो रही है, कोई तो नहीं आएगा। अब ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और यही भ्रम हमारी एस्ट्रोलॉजी को खत्म कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा अगर यही सब चलता रहा कि आज की जनरेशन यही कहेगी कि एस्ट्रोलॉजर नाम की कोई चीज़ है नहीं, जबकि एस्ट्रोलॉजर इतनी अच्छी चीज़ है कि आप सही मायने में देखा जाए, करी जाए, कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लाखों लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते।
सकते हो। आपको भगवान ने भेजा है अपना दूत बनाकर कि आप बेटा इतने लोगों की मदद करो, क्योंकि लोग भगवान कहते हैं हम सबकी नहीं सुन सकते, तो इसलिए आपको भेज दिया कि छोटे छोटे केस हैं तो इनसे सॉल्व करा लो, आपको रास्ता दिखाएंगे। पर आजकल क्या चल रहा है, रील्स के चक्कर में वो तंत्र बिल्कुल उल्टा हो चुका है। मैंने पहले बताया शुरू में कि तंत्र मंत्र और यंत्र गुप्त होते हैं। कोई भी यंत्र होता है आप जितना गुप्त रख के पॉकेट में रखोगे गले में रखोगे लाभ देगा मनी लाएगा, वही यंत्र हो गया। मंत्र हो गया जितना, मंत्र कहते हैं ना मन मन में करो, अगर मंत्र को आपने मुंह से बोल के करा तो वो जीरो रिजल्ट है। सेम तंत्र, तंत्र जितना गुप्त होगा, यानी कि मैं मान लो कोई तंत्र किसी की रेमेडी कर रही हूँ, अगर मुझे बाय चांस करना पड़े वशीकरण मुझे करना है तो मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं डाली कि मैं तंत्र करती हूँ, मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं डाला कि मैंने किसी क्लाइंट का ये करा या मैंने कोई साधना करी है या मैं शमशान जा रही हूँ, कभी नहीं, क्योंकि ये गुप्त है, इससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इससे क्या होगा कि एक समय पर लोगों का आपसे विश्वास खत्म हो चुका होगा और एस्ट्रोलॉजी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाग रहे हैं भीड़ में और ये तंत्र की रील्स बनाए जा रहे हैं, पॉडकास्ट बनाए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि जो चीज गुप्त होनी चाहिए जिस दिन सरेआम आएगी उस दिन वो खत्म हो जाएगी। तो यही मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था, जैसे कि अभी एक रील वायरल हुई थी, एक बंदा बोल रहा था पॉडकास्ट में कि मतलब शमशान की जो आग जल रही होती है उस पर रोटी बनाओ और उधर मतलब कुछ चिकन विकन ला के रख दो तो भूत आता है और उसका सरदार आएगा बोलेगा कि अब तू मुझे ये दे दे, तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, तो इसमें कुछ असलियत होती है। अगर ऐसा एक्चुअल में आता है तो उनको पॉडकास्ट पे आने की नीड क्या है, वो क्यों अपने आप को, देखो हम अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं कोई भी हम सोशल मीडिया पे आए किस लिए आए हैं, अपने आप को फेमस करने के लिए, दूसरा कि हमें फेम चाहिए कि लोग हमें जाने। अगर उनमें शमशान का भूत दिख गया है तो वो तो चुटकी बजाते बोल सकते हैं मैं फेमस हो जाऊं, और फेमस भी क्यों, मुझे पैसा दे दो, आज के दिन किसको नहीं चाहिए। अगर मुझे जिन दिखेगा मैं सबसे पहले ही करूँ, मुझे करोड़ों रुपए दे दो, क्योंकि मुझे फिर घर से बाहर जाना ही नहीं, मैं फोन को भी बंद कर दूंगी और हर चीज मेरे पास होगी। तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो मैं कहती हूँ आपको तो फिर फेम चाहिए ही नहीं, आप क्यों आए हो ब्रॉडकास्ट पे, आप जाओ शमशान पे भूत बुलाओ, करोड़ों रुपए लो और अपना घर में बंद हो जाओ, ऐसा आराम करो, इंजॉय करो, फिर तो एस्ट्रोलॉजर बनने की भी नीड नहीं है। क्योंकि देखो कोई भी फील्ड क्यों ना हो पैसा कमाने के लिए उतरते हो, ठीक है, आप जो भी काम आज के टाइम पे कर रहे हो उससे इसलिए कर रहे हो कि बदले में, ठीक है कई लोग करते हैं मान लो फेम हो, पर कहीं ना कहीं फेम के साथ पैसा तो चाहिए ना, बिना फेम के, अब फेम फेम है पैसा नहीं है तो जिंदगी नहीं कट सकती। तो ये लोग जो जितने भी दिखा रहे हैं ये खुद क्यों आ रहे हैं, फिर मैं तो यही जानना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को पास इतनी पावर है, मतलब जितनी वीडियो बन रही है पावरफुल कि हाँ भाई इतना कुछ है, ये भूत आके आपको सपने में नंबर दे जाते हैं, भूत आके आपके साथ ये कर देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो फिर आप क्यों आए हो, आप क्यों अपने आप को फेम पाने के लिए क्यों सोशल मीडिया पे उतरे हो, आप खुद पैसा लो, कामयाब हो और सेटल हो जाओ, रातों रात अपने यूट्यूब के फॉलोवर्स बढ़ा लो कि यूट्यूब आपको पैसा दे दे, कुछ नहीं दो, ये तो कर सकते हो, आप अपने लिए कर सकते हो। अब इसमें कई लोग कहते हैं हम अपने लिए नहीं कर सकते, क्यों, साधना सबसे पहले अपने लिए की जाती है। अब मैं अगर साधना पे बैठी हूँ तो मेरे 7 चक्र एक्टिव होंगे सबसे पहले, मेरे पास क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे, मेरा फेम बढ़ जाएगा, सबसे पहले मुझे रिजल्ट मिलेगा ना। पर अगर ये सब चीज नहीं है तो मैं भी आज काम कर रही हूँ, मुझे भी हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि हम बहुत सही रास्ते से कर रहे हैं और गलत रास्ते से, अगर मैं एक पूरा सेटअप बना दूं भूत प्रेत वाला सेम हम भी कर दें शायद रातों रात वायरल हो जाएं, हो जाएंगे जो वो लोग कर रहे हैं। पर ये आप लोगों के मन में ना नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप अच्छाइयां करो, अच्छी चीज सामने लाओ, लोग पहले पूछते थे सूरज को जल क्यों देना है, पूजा पाठ, आप इस पर टॉपिक पे बनाओ कि हाँ भाई लोग धर्म से जुड़े, आप अपने भगवानों के बारे में बताओ, आप अपने बारे में बताओ। मुझे जो पर्सनली लगता है कि पॉडकास्ट शुरू हुए थे अपनी जर्नी से, कि जो लोग बहुत अच्छी फील्ड में हैं, कामयाब हैं, मान लो आप हो, आपको पॉडकास्ट बिठाया कि आप यहाँ तक कैसे आए, ताकि सामने वाला मोटिवेट हो सके कि आपके पॉडकास्ट के द्वारा लाखों लोग देखकर उठें और काम करें, ताकि वो देखें कि भाई इन्होंने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आए हैं। आजकल पॉडकास्ट बन क्यों रहे हैं, अंधविश्वास फैलाने के लिए नहीं, जो बात है देखो कि आप ठीक है हर चीज करो पर अपनी जर्नी शेयर करो ना, कि लोग मोटिवेट हो जाएं, जो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं वो उठ के काम पे आ जाएं, वो ये एक बार को ये कह सके मैंने इनकी वीडियो देखी थी और मैं यहाँ आज जो हूँ इनकी वजह से हूँ। पर ऐसा नहीं हो रहा है, जितने पॉडकास्ट चल रहे हैं सब एक बार खत्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप अंधविश्वास फैला रहे हो। और जो लोग देख रहे हैं मैं उनको भी यही कहना चाहती हूँ कि आप देख तो रहे हो पर उनसे एक सवाल तो करो कि आप यहाँ क्यों
बैठे हो। अभी रिसेंटली मैंने परसों एक वीडियो देखी थी, बहुत फेमस पॉडकास्ट करते हैं वो, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बैठा रखा था, वो कहते हैं गेट दिखा रहे थे कि आप इतने बड़े गेट को देखो, इस घर में रहने वाले लोग झूठे हैं, एक घर में 5 लोग रहते हैं, आप कैसे जज कर सकते हो। अब गेट, मैंने ऐसे गेट दे जिनके घर में गेट नहीं भी हैं, वो लोग बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। जिनके बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े गेट हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में। और सबसे बड़ी बात, जिनके बड़े बड़े कोठियाँ हैं ना, वो घर में रह ही नहीं रहे, वो तो रहते ही नहीं, सुबह से शाम बाहर है, कोई आउट ऑफ इंडिया चला गया, क्यों सिंपल मदर फादर रह रहे हो, क्या झूठ बोलेंगे, आया रखी हुई है, काम चल रहे हैं, घर जिनके घर छोटे हैं काम तो वही कर रहे हैं, बड़े घर वाले भी कर रहे हैं जिनके गेट बड़े भी हैं। हमारी सोसाइटीज में हम रह रहे हैं, इतने बड़े बड़े गेट हैं और लाखों लोग सोसाइटी में रहते हैं, पूरी सोसाइटी छुट्टी हो गई। नहीं देखा जाए पूरी सोसाइटी झूठ। अब हमारी सोसाइटीज के जो गेट है कितने बड़े होते हैं, ठीक है, इसका मतलब उसमें लाखों लोग रह रहे हैं। आज टाइम हर जगह सोसाइटीज हैं, लाखों लोग अंदर रह रहे हैं, तो क्या सब अब ये कहेंगे कि नहीं हमने तो मेन गेट की बात करी, तो हमारे मेन गेट तो बहुत छोटे हैं, सारे बिजनेस फ्लोर्स जो आ चुके हैं सारे घरों में ऐसे फ्लोर्स ही हैं ऑलमोस्ट, कोई हाँ है लिमिटेड है, पर वो लोग इतने कामयाब होते हैं और उन घरों की तो आप होड़ भी नहीं कर सकते कि वो डेली पूजा पाठ 1-1.5 घंटे की करते हैं। आप उनसे मिलो तो जाकर, जिनके उनके खुद के पर्सनल पंडित होते हैं कि भाई महीने में आओ, आप रुद्राभिषेक करो, पूजा पाठ करो, हमारे घर में हवन करो, लाखों लाखों के तो वो जाप करा लेते हैं, तो आप कैसे किसी को जज कर सकते हो, वो भी गेट से। ठीक है आप पर्सनल रीडिंग करो समझ आता है, पर वास्तु वर्क करता है, नो डाउट कि नहीं करता, पर इस तरीके से बहम फैला देंगे कि गेट से, गेट का कलर समझ आया, जब हमारे फील्ड में कलर थेरेपी आई, ठीक है समझ आया कि भाई ब्लैक कलर नेगेटिविटी अटैक कर रहा है, तो ठीक है वाइट करवा दो, सिल्वर करा दो या स्टील के गेट रख लो। अब ये बिल्कुल ही अपोजिट हो गया कि अगर ये गेट बड़ा है तो ऐसे लोग हैं, बिल्कुल झूठे, उन्होंने खुलेआम बोला और लोगों ने उनके मिलियंस व्यूज दिए और बहुत लाइक करे, मतलब कहाँ खो रहे हो, लाइक भी करे वो भी अपने आप को झूठा सुन के। आजकल में कौन नहीं रह रहा बड़े गेट के अंदर, सब रह रहे हैं। तो गौरी जी एक रील जो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी, मतलब लोगों ने बहुत मजे लिए, मतलब बिलीव करा कि, मतलब मैं आपसे पूछने में भी मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि आप लड़की हो, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, क्योंकि आपने इस चीज पे मतलब अपनी आवाज उठाई है। जो कहते हैं कि मतलब एक रील वायरल हुई थी जिसमें एक बता रहे थे ऐसे एस्ट्रोलॉजर की अपने प्राइवेट पार्ट पे दही लगाओ तो कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब उसके बाद मैंने लस्सी पीना भी बंद कर दिया था, मतलब इतने घिनौना, मतलब उन्होंने रेमेडी बताई थी, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखो दही से नहाना समझ आता है क्योंकि उससे शुक्र हमारा एक्टिव होता है। पहले जमाने में क्या था कि दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध से नहाते थे, फिर वो दूध से दही पे आ गए, दही से हम लस्सी पे भी आ गए, अभी देखना आने वाला टाइम में छाछ से नहाओ, क्योंकि छाछ से नहाने से बाल अच्छे हो जाते हैं दही बालों में लगाने से, तो आने वाला टाइम में आएगा कि आप छाछ से भी नहा लो, लस्सी से भी नहाओ। शुक्र एक्टिव होता है, पर इस तरीके से बताकर मेरे ख्याल से किसी को कुछ नहीं मिलना, क्योंकि नहीं होगा, रिजल्ट आप करोगे नहीं मिलेगा। आप आज से 2 साल तक कंटिन्यू लगाओ तब जाकर रिजल्ट मिलता है। दही से, दूध से नहाने से शुक्र हमारा एक्टिव होता है, पर इसमें कंडीशन ये होती है जो इंसान आना ही नहीं है आप उसके ऊपर क्या, ये भी एक तरीके से वसीकरण हो गया। पहली बात तो खुद के लिए, आप कंटिन्यू इसको यूज करोगे, चाहे आप अपने हाथ पे लगा लो, फुल बॉडी में आप कहीं भी लगा सकते हो, इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आपको सिर्फ प्राइवेट पार्ट पे लगाना है। इसका ये कि आप सिर पे भी लगाओगे ना तो भी आपका शुक्र एक्टिव होगा, हाथ पे लगाओगे शुक्र एक्टिव होगा, आप फुल बॉडी पे अगर लगाओगे शुक्र एक्टिव होगा, आप दही बेसन से नहाओगे शुक्र एक्टिव होगा, सुंदरता बढ़ेगी। आज वो हमारे बहुत फेमस एक्टर है हेमा मालिनी हो गए, या बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जितने भी फेमस हैं, आप उनकी वीडियो उठाओ कि उनका स्किन केयर क्या है, वो यही कहते हैं हम घर की होम रेमेडी यूज कर रहे हैं, दूध लगा रहे हैं, दही बेसन लगा रहे हैं, होता है। पर अगर कोई इंसान आना ही नहीं चाहता, मान के चलो एक हस्बैंड वाइफ है, बाहर हस्बैंड कहीं बाहर गया, वहां उसका अफेयर हो गया, वो लड़की दही लगाई जा रही है क्या चला जाएगा हस्बैंड? हस्बैंड अपने बच्चों बीवी को नहीं छोड़ सकता, तुम एक तो क्या 3 साल भी दही लगा लेना, कुछ नहीं होना। ये वर्क कब करेगा? जब एक पति और पत्नी दोनों मिलकर साथ रहना चाहते हैं, और वो तब ये चीजें असर करती हैं। एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए जो भी रेमेडी करेगी, वो दही लगाने के दही को उठा के दान भी कर देगी ना, असर दे जाएगा, शुक्र एक्टिव हो जाएगा। ये वही तरीका है फेमस होने के लिए, कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक ऐसा टॉपिक उठा दो कि उससे बवाल मच जाए और लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। पर ऐसे कोई नहीं आने वाला, जिसको आना है वो ऐसे ही आ जाएगा। मैं ये कहती हूँ आप उसके साथ बैठो, दही चीनी
आपस में खा लूं, मिठास बढ़ेगी, रिश्ता अच्छा होगा। किसी चीज को इस तरीके से वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उस चीज का प्रयोग अच्छा करो। आप दोनों कुल्फी खा सकते हो, व्हाइट चीज अगर एक्टिव आपको शुक्र एक्टिव करना है, साथ में मिलके रबड़ी खाओ, खीर खाओ। पहले के जमाने में पान एक दूसरे को खिलाते थे, ऐसा आज भी कहते हैं कि आप अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सोने से पहले पान खिलाते हैं, दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें गुलकंद होता है, सुपारी, उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके शुक्र को एक्टिव करेंगी, साथ में मिठास लाएंगी। खीर खिलाई जाती है, खीर खाने से क्या होगा, शुक्र एक्टिव होगा। पर ये ना एक बदल दिया है कि किसी भी तरीके से फेमस हमें होना है, असर चीजें होती हैं, पर लोग गलत तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। ये उन लोगों के लिए है जिनको बॉडी में एलर्जी है, ये जब वर्क करता है, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तब हमको ये रेमेडीज देते हैं कि आप ये सब चीजें करो। किसी तरीके की एलर्जी है, किसी भी तरीके की अगर हस्बैंड वाइफ की अनबन चल रही है, तब ये रेमेडीज दी जाती हैं। तो इसमें गुलाब जल भी ऐड करवाया जाता है और बहुत इसका प्रोसेस होता है। पर अगर मैं हूँ, मैंने अगर यहाँ पर एक वीडियो रेमेडी बोली कि आप इस उपाय को करो, और मान लो कि लाखों लोगों ने देखी, क्या लाखों लोगों को सूट कर जाएगी? और उनमें से कोई एक ही होगा जिसको सूट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, मान लो मुझे फीवर है और बहुत ज़्यादा तेज है, मैंने गूगल पे डाला मुझे फीवर हो गया है, गूगल ने मुझे मेडिसिन और डोज बता दी, मैंने मेडिकल से खा ली, क्या मैं ठीक हो जाऊँगी? क्यों? पर मुझे डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, चाहे मैं घर में 3 दिन भी मेडिसिन खा लूं, हम नहीं खा सकते ऐसे। अगर हमसे कोई कह भी दे, अच्छा तुमको ये परेशानी है, तुम ये दवाई खा लो, क्या हम खाते हैं? नहीं। क्यों? नहीं जी, हमारा तो एक डॉक्टर है, हम तो उसी पे जाएंगे। तो मैं इतना ही कहना, कोई भी रेमेडी, कोई भी, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर दे रहा है, प्लीज़ पहले अपने आप को कंसल्ट करा लो, अपनी रेमेडी खुद की लो। एक बार जाओ, बार बार पैसा मत दो, एक बार जाओ साल में एक बार, उनको बोलो कि मैम सर मेरी पूरे साल कि मंथ के हिसाब से रेमेडी दे दो, लिखकर कि मैं कौन से मंथ में क्या रेमेडी करूं, क्या मेरे लिए सुटेबल है, क्या मुझे सपोर्ट करेगा, जिससे मेरा करियर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, और एक बार में लिखवा कर उनको आप फॉलो करो। किसी को देखना अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, आप देखो, पर कुछ भी किसी का पकड़ के कॉपी मत करो, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, आजकल देखो फीमेल्स को कैंसर कितने ज़्यादा हो रहे हैं, उसका कारण भी यही है कि कुछ भी चीज़ें हम लगा रहे हैं। जब इतना ज़्यादा कैंसर बढ़ चुका है, और अगर भगवान ना करे इन सब चीज़ों से आपको अगर कोई भी किसी तरह का कैंसर हुआ, यूट्रस कैंसर हुआ, तो वो एस्ट्रोलॉजर आपका इलाज करने नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हाँ, आपको करवाना है, ऐसा कुछ आपको फील हो रहा है कि भाई मेरा शुक्र नहीं अच्छा है, मेरे पार्टनर से बन नहीं रही है, तो आप जहाँ भी हो, जिसको भी मानते हो, आप एक बार उनके पास जाओ, पर्सनल रीडिंग लो, अपने आप अपने एक साल के उपाय ले लो, बार बार की टेंशन खत्म करो। जिसके पास भी जाते हो कि आप मुझे प्रॉपर बता दो मुझे क्या सूट करेगा, क्या रेमेडी करनी है, और वो सब फॉलो करो, उसका असर मिलेगा। पर हम ऐसे कुछ भी, अब यूट्यूब पे से कई क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मैंने वहाँ रेमेडी देखी, वहाँ रेमेडी देखी, करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, फिर क्या कहते हैं, जी हम तो एस्ट्रोलॉजर पे बिलीव ही नहीं करते। क्यों? हमने तो मैडम बहुत सारे उपाय कर लिए, तो उन क्या असर, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम लेकर कहा, तुमको उन्होंने चेक करा नहीं करा, एक दवाई सबको सूट नहीं कर सकती। मान लो एक ही फीवर की मेडिसिन है, क्या वो लाखों लोगों को मैं खिलाऊं सबको उतरेगा फीवर? किसी को अलग तरीके से देनी पड़ेगी, किसी को अलग डोज देनी पड़ेगी, किसी को अलग, फर्क पड़ता है। सेम रेमेडीज का ही है, आपको आपकी पर्सनल रेमेडीज ही वर्क करेंगी। कुछ भी आप यूट्यूब से उठा रहे हो, आप इंस्टा से उठा रहे हो और करे जा रहे हो, इससे आप अपना ही नाश कर लोगे, अच्छा कुछ नहीं होना। एंड में यही लोग आके कहते हैं हम तो थक गए, अब हम नहीं करते भरोसा एस्ट्रोलॉजर पे, अब हम कहीं नहीं जाने वाले, हमने इतने पैसे लगा लिए, अब हम नहीं जाएंगे। पर एक बार विश्वास करो, भरोसा करके एक बार जाओ और अपनी रेमेडीज लेकर आओ। रेमेडीज भी अलग अलग तरीके की हैं, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो आप उनको साफ बोलो, मैम मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे ऐसे उपाय बताओ जो मैं कर सकूं। आपके पास पैसा है तो मैम मैं उपाय नहीं कर सकता, आप मुझे नग पहना सकते हो, आप मुझे ब्रेसलेट पहना सकते हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके ऊपर, आप अपनी चॉइस से जाओ। आप सामने वाले को बोलो कि हाँ मेरे पास पैसा है, आप, मैं उपाय नहीं कर सकता। कई लोग आते हैं कि मैम मैं उपाय करने का टाइम नहीं है, हम जॉब करते हैं, तो मैं उनको चीजें देती हूँ, भाई आप ये रख लो, आप ये घर में लगा लो, आप ये पहन लो। पर कई लेडीज, कई मेल्स ऐसे, मैम नौकरी नहीं है, अब मैं उनको बोल दूं कि आप 12-13 हज़ार का ये पहन लो,
नहीं है पॉसिबल तो उनको उपाय दो। तो ये हमारी चॉइस है कि हम एस्ट्रोलॉजर पे जा रहे हैं तो अपना हक बोलो, हमारे पास नहीं है तो कोई कुछ भी बोल रहा है उस पे यकीन मत करो। तो थैंक यू सो मच गौरी जी अपना टाइम देने के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग, भूत पिशाच सबके बारे में इन्फॉर्मेशन हमने ली। अभी हम जिन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में गौरी जी के साथ। तो थैंक यू सो मच गौरी जी एक बार फिर से अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया और लोगों तक हमने अपनी बात पहुंचाई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास में मत पड़ो, आंखें खोल के काम करो बस। कोई कुछ भी बोल रहा है ना, एस्ट्रोलॉजर है, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास भी लोग आते हैं और आप भी कहीं और जाते होंगे, सबका एक भरोसा होता है, जिस पे आप भरोसा करते हैं उस पे जाओ, पर हर चीज को ना जांचो। जैसे आप कुछ भी नहीं खा सकते ना, अपनी बॉडी में नहीं डाल सकते, तो अपने हाथों से ऐसा कोई कर्म मत करो, ऐसा कोई उपाय मत करो जो आपको हानि पहुंचाए। तो जैसा गौरी जी ने बताया कि अभी हम और डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो एंड जय हिंद।